Good morning, students. This is for class 9 and CBSE book, the Woman book, 6th chapter, the last reading. And it's written by O. Henry. And this is one of the interesting story as well as cool story. So we will see that. So, usme last leaf, antim patta. So, last leaf jo ek hai isme, wo jindagi kaise लिया था एक जिंदगी और जिंदगी भी दिया था उसका कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो दो मेन कैरेक्टर है, एक है जॉनसी और दूसरा है सू। ठीक है, तो जॉनसी और सू दोनों दो लड़की दोनों का पेंटर बनने का शौक था और पेंटर भी था, लेकिन उन लोगों को बहुत सक्सेसफुल होना था। तो दोनों इसलिए एक सिटी में आके रह रहा था क्या अपना रेंट फ्लैट पे। जस्ट उनके रूम के नीचे और एक आदमी रहता था, ओल्ड बर्मन। ठीक है, वो भी एक पेंटर था जो कि उन लोगों को गाइड करता था, कोई भी प्रॉब्लम्स है देखभाल करता था। और उसको भी पेंटिंग का बहुत शौक था और उनका एक शौक था वो जिंदगी में एक मास्टरपीस बनाएंगे, जो मास्टरपीस कुछ बदल लाए, उसको फेमस बनाए। तो लेकिन अचानक क्या हो गया, जॉनसी को निमोनिया हो गया। ठीक है, तो निमोनिया यू नो वन टाइप ऑफ फीवर जो कि हाई फीवर होता है, और इससे होने के बाद बहुत लोगों को कम उम्मीद रहता है जिंदगी पाने का। और अगर ट्रीटमेंट आ गया तो बहुत सारा तो हो जाता है, लेकिन जब जिसको वीकनेस है, अंदर से वीक है, जिसका जिंदगी का जीने का शौक कम है, जो अंदर से वीक है उसके लिए बहुत कम आसान रहता है फिर से जिंदगी में लाना। तो जॉनसी का भी यही केस हो गया था। जॉनसी धीरे धीरे अपने अंदर से वीक होने लगा, हम नहीं जी पाएंगे और ज़्यादा दिन। तो वो लेकिन सू उसको उम्मीद दिला रहा था, नहीं कुछ होगा, यू विल बी फाइन। लेकिन जॉनसी नहीं मान रहा था। तो जॉनसी क्या कर रहा था इस टाइम, इस दौरान उसके रूम के बाहर में एक पेड़ में भाइन क्रीपर था। भाइन क्रीपर, तो क्रीपर क्या होता है, जो लत होते हैं तुम लोग, एक भाइन टाइप, भाइन भी वन टाइप ऑफ लत है। ठीक है, तो उस लत का जो पत्ता था उसको गिनते रहता था। ठीक है, उसको गिनने के एक एक उस टाइम था ऑटम के टाइम और पतझर के टाइम, तो पत्ता गिर रहा था। तो जब एक एक पत्ता, भाई दीवार का एक एक पत्ता गिर रहा था, उसको लग रहा था कि मेरा जिंदगी का एक एक दिन कमते जा रहा है। तो वो ऐसे क्या किए ना, धीरे धीरे अपना जीने का उम्मीद खो रहा था। 21, 20, मेरा और 20 दिन बचा है, मेरा और 19 डेज बचा है, मेरा और 18 डेज बचा है। तो ऐसे एक एक पत्ता गिर रहा था, ऐसे 15, 14, 12, 13 करते करते, ठीक है 11, 10 करते करते अभी एकदम अंतिम में आ गया। ठीक है, 5, 4, 3, तो उसको लग रहा है कि हम और नहीं जाएंगे। डॉक्टर ने भी बोल दिए इसको जिंदगी देने का एक ही कारण होगा, जब वो अपने से बोलेगा कि हम ठीक है, अपने अंदर से उसको कॉन्फिडेंट आएगा हम ठीक हो सकते हैं, वो हैप्पी फील करेगा जिंदगी के लिए, तब उसको क्या ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। क्योंकि दवाई दम कम करता है जब हम लोग का मन खुश रहता है। ठीक है, जब तुम्हारा अंदर से जीने का उम्मीद नहीं रहता है, ये प्रैक्टिकली भी हो चुका है, जो पेशेंट अपने मन से वो कॉन्फिडेंट खो चुका है उसको धीरे और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है। लेकिन तुम अंदर से कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तब दवाई अच्छे से काम करता है, वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। तो ऐसे ही जॉनसी का क्योर होने का मन नहीं था। ठीक है, तो पत्ता के साथ उस भाइन क्रीपर का जो पत्ता था उसके साथ अपना लाइफ का कंपेयर किया और धीरे धीरे अपना जिंदगी वो क्या की ना, अपना जिंदगी का जो टाइम स्पेंडिंग कम करते जा रहे। तो अभी 3, 2 करते करते लास्ट पत्ता में आ गया, ओनली वन लीव्स रिमेनिंग। ठीक है, तो उस पत्ते के साथ उसको लगा के अपना लास्ट जो पत्ता है उसी के साथ मेरा जिंदगी का अंतिम पर्याय हो जाएगा, आई विल बी डाइट आफ्टर वन लीफ फ्रॉग। तो ऐसे लगा के हम इस पत्ते के साथ साथ मेरा जिंदगी खत्म होने वाला है। अचानक उस दिन क्या हुआ ना, बहुत बारिश आई, बारिश के साथ साथ आधी बहुत तेज हवा बहने लगा और हेल स्टॉर्म भी होने लगा। तो
उस एरिया में जब अमेरिका में तुम ऐसे और इंग्लैंड में ऐसे सिचुएशन में तुम बाहर जाओगे तो उसको जरूर क्या करता है ना, जरूर उसमें बुखार उसको चढ़ेगा और उसको निमोनिया हो जाएगा उस टाइम, बारिश के टाइम। उस बारिश में भीगना मतलब क्या होता है, जरूर तुमको निमोनिया हो जाएगा और यू विल बी वेरी बैड इन सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसे ही सिचुएशन में तो सिंपली क्या है, ये पत्ता तो ऐसे ही गिर रहा था तो ऐसे ही गिरेगा इतना हवा में, लेकिन गॉड ब्लेसिंग उस दिन वो जो पत्ता था गिरा नहीं था। जॉन सी बहुत देर तक देखे लेकिन उस पत्ता उस दिन गिरा नहीं था, उस पत्ता उधर रह गया था। और इसको देख के जॉन सी का मन में आया एक पत्ता जब लाइफ में इतना स्ट्रगल करके वो रह सकते हैं तो हम क्यों ना स्ट्रगल करके मेरे जिंदगी में हम रह सकते हैं। ठीक है, तो हम जिंदगी में क्यों ना ही जी सकते हैं। ठीक है, तो इस उम्मीद में वो क्या किए ना, फिर से जिंदगी में वापस आए और वो और क्योर होने लगे। ठीक है, तो लास्ट लीव उसको उम्मीद दिलाया जिंदगी का और फिर से जिंदगी में आए। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग पता चला क्या, जो बर्मन था बर्मन को निमोनिया हो गया एंड ही डाइड ऑफ निमोनिया। तो कैसे निमोनिया हो, बाद में पता चला क्या, जो लास्ट लीक जो कि चौंसी को जिंदगी में वापस लाया वही कारण है क्या, बर्मन का निमोनिया का। उस रात में उस बारिश में उस ठंडा बारिश में घर से निकल गया था कौन, बर्मन, और वो सीढ़ी लगा के ठीक है भाई निकलीबा में गया था। और वो जो लास्ट पत्ता हम लोग देखे वो ओरिजिनल पत्ता नहीं था, वो क्या था, एक ड्राइंग था, एक मास्टरपीस था, एक पेंटिंग था, किसका, बर्मन का। तो उस पत्ता ऐसे ही इतना ऐसे पेंटिंग था जस्ट ओरिजिनल पत्ता की तरह। ठीक है, और वो जाके उसमें पेस्ट कर दिया था। तो उसमें क्या ना, जॉनसी का तो जिंदगी वापस आया लेकिन बर्मन का जिंदगी क्या हो गया, खो गया। तो जिंदगी अपना जिंदगी सेक्रीफाइस करके वो जॉनसी को जीना सिखाया। तो इस स्टोरी में हम लोग क्या सीख रहे हैं ना, कैसे एक दूसरे के लिए जिंदगी सेक्रीफाइस करते हैं, नॉट लाइफ ओनली नॉट फॉर आवर्स, लाइफ ऑल्सो फॉर अदर्स। हम लोग जिंदगी सिर्फ अपने नहीं लिए नहीं जीते हैं, और भी बहुत लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके हम लोग दूसरे के लिए भी हम लाइफ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट अ स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन कमेंट एंड कैन कॉन्टेक्ट। ओके, टिल अनलेस।